हेलो फ्रेंड, मैं हूँ सीमाना और आपका स्वागत है मेरे चैनल डाइनिंग टेबल विद सीमाना पे। फ्रेंड्स, ये है मेरी सिटी जो कि कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में आती है। तो हम कहीं जा रहे हैं और जस्ट हम अभी अपने घर से निकले हैं और हमारी सिटी होते हुए क्रॉस करते हुए हम जाएंगे। इस दौरान आपको मेरी सिटी की थोड़ी बहुत नज़ारा भी देखने को मिल जाएगा। यू कैन सी हियर। और हम कहाँ जा रहे हैं वो आपको मैं बाद में बताऊंगी, एंड में बताऊंगी। थोड़ा सस्पेंस रखती हूँ, ठीक है? तो चलिए पहले हमारे सिटी की शेयर कर लेते थोड़ा सा। बारिश का सीजन है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, हमारी सिटी बहुत ही ग्रीन है, ग्रीनरी है चारों तरफ। हमारी सिटी के साइड में एक नदी है और उसका नाम है पंचगंगा नदी। और बारिश के सीज़न में उस नदी में इतनी बाढ़ आती है, इतनी पानी आती है कि पूरा आसपास का इलाका, खेत वगैरह सब पानी से समेट लेता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना भरा हुआ है पानी। तो चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं, हम नदी के पास रुके हैं। ये देखिए कितना पानी है, ओ माय गॉड। हमारी सिटी का नदी है जिसका नाम है ये पंचगंगा। ओके, राइट। यहाँ पे साइड में एक मंदिर भी है, गणेश जी की मंदिर, जो बहुत ही फेमस है यहाँ के लिए और अक्सर हम आते हैं यहाँ पे। तो फिलहाल तो देखते हैं पानी, देखते देखिए बिल्कुल समंदर की छाल की तरह लग रहा है ना, और खूबसूरत भी लग रहा है। तो बारिश के सीज़न में बहुत बहुत बारिश होती है यहाँ पे और पानी इतना फैल जाता है, पूछिए मत। अक्सर हम सुनते हैं कि आसपास की सिटी और बहुत सारी जगहों में बिल्कुल भी पानी नहीं बरसती, अच्छी बारिश नहीं मिलती, इवन ड्रिंकिंग वाटर की भी बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन हमारी सिटी जो है ड्रिंकिंग यानी कि पीने के पानी के मामलों में भी और प्लस बारिश के मामलों में भी बहुत लकी है। बहुत ही अच्छी बारिश होती है, बिल्कुल भी सूखा नहीं होता है। यहाँ पे आसपास के इलाके में खेती भी बहुत अच्छी सी होती है, जैसे कि आप देख ही सकते हो। तो बारिश का सीजन भी बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, तो जिसकी वजह से गर्मी का ज़्यादा एहसास ही नहीं होता है। यानी बारिश का सीज़न इतनी जल्दी शुरू हो जाता है हमारे सिटी में कि गर्मी झट से चली जाती है, कब चली जाती है पता ही नहीं चलता है।
तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र करने वाले हैं हम, और साथ ही साथ मैं आपके लिए व्लॉग भी बनाऊंगी, और कहाँ जा रहे हैं हम वो तो मैं ज़रूर बताऊंगी एंड में, सस्पेंस रखा है। और साथ ही साथ खूबसूरत वादियाँ, खूबसूरत नज़ारे, खूबसूरत हरियाली को दिखाते हुए मैं आगे बढ़ूंगी। आई होप यू विल एंजॉय इट। खेती की गई है, कुछ तो बी लगाया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेथी जैसा दिख रहा है, मेथी लीफ पर, ये मेथी लीफ तो नहीं है क्योंकि मेथी लीफ की खुशबू से मैं पहचान जाती हूँ। ह्यूज एरिया में इसकी प्लांटिंग की, अच्छा लग रहा है देख के बहुत। तो चलते हैं, अभी थोड़ा आगे चलते हैं, और भी बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं हमारे सिटी के आसपास। फुल्ली पैक्ड है क्योंकि बारिश का सीजन है, हवा चल रही है, तो सेफ्टी यूज़ करके चलना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब हम आगे चलते हैं, चलिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत हरियाली है हमारे सिटी में और हमारे सिटी के आसपास, तो आप देख ही सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे गन्ने के खेत बहुत सारे दिखाई देंगे आपको, गन्ने ही गन्ने यानी कि शुगर कैन की खेती बहुत है, बहुत ह्यूज मात्रा में, आप लंबे लंबे तक शुगर कैन की खेती दिखाई देगी आपको। बचपन की कुछ यादें ताज़ा कर लेते हैं। कभी आपने किसी खेतों में जाके उनका गन्ना चुरा के चूसा है कि नहीं, आई मीन मजे लिए हैं कि नहीं? गन्ने यानी कि शुगर कैन से लोडेड जो गाड़ी वगैरह रहते हैं उसका पीछे से हम खींच लेते हैं उसका डंडा, गन्ने का डंडा, और हम उसको मज़े से उसका रस चूसते थे, खाते थे। तो मेरी यादें ताज़ा हो रही है, आपको कैसा लग रहा है? बचपन में दूसरों को खेतों में जाके गन्ने चुरा चुरा के और लोडेड गाड़ी से गन्ने चुरा चुरा के बहुत खाए हैं, बहुत खाए हैं। आई कांट टेल यू कि बहुत मस्ती की है हमने। हवाएं ले जाए तुझे कहाँ, हवाएं हवाएं।
यहाँ पे बस्ती आ गई है। और देखिए ये जो ट्रोली जा रही है पंढरपुर की यात्रा के लिए जा रही है। यू नो गाइस, ये पैदल चल के जाते हैं इतना लंबा दूर तक, कितने दिन लगाकर पैदल जाते हैं दर्शन करने के लिए। ये शुगर फैक्ट्री है। ओके, बहुत बड़ी शुगर फैक्ट्री है। ये देखिए साइड में पंढरपुर की टोली फिर से दिख रही है, यानी जगह जगह से निकल रही है टोली। और ये पैदल जाते हैं, बहुत दिन पैदल चलकर जाते हैं दर्शन करने के लिए। इजंट इट अमेजिंग। तो ये है मेरे हीरो। तो बाइक चला चला के थक गए, तो थोड़ा सा 5 मिनट रेस्ट लेंगे और एक खूबसूरत नज़ारा हम कैच करेंगे मेरे हीरो के साथ। लग रहे हैं ना डैशिंग, कैसा लग रहा है आपको? जो बहुत अच्छा लग रहा है। तो बारिश होने की संभावना है। हाय गाइस, आप ये मार्क्स देख रहे होंगे। तो मैं बता दूं, मुझे बहुत प्रिकॉशन करके निकलना पड़ता है बाहर, स्पेशली बाइक राइडिंग करते वक्त और सिर्फ बाहर निकलते वक्त। तो मैं हमेशा बॉक्स एंड मास्क कंपलसरी, क्योंकि मुझे एलर्जी की सीरियस प्रॉब्लम है। यस, और मुझे वो जो एलर्जी है पॉल्यूशन से होती है। जी हाँ, प्रदूषण। और आपको तो पता ही है इंडिया में प्रदूषण घूट घूट के भरा हुआ है। हम कहीं भी जाए प्रदूषण तो कहीं ना कहीं हमें मिल ही जाता है। हाँ, फिलहाल यहाँ पे प्रदूषण बिल्कुल नहीं है, इतना खूबसूरत जगह है और ऊपर से बारिश भी है, तो धूल मिट्टी उड़ने का सवाल ही नहीं। तो मुझे पोल्यूशन से झट से एलर्जी हो जाती है, वो भी बहुत सीरियस वाली। तो और मुझे बहुत सफ़र करना पड़ता है। इसके अलावा मुझे कोई हेल्थ इशू नहीं है अभी तक, तो इसके लिए मुझे प्रिकॉशन लेके निकलना पड़ता है। और ये मास्क तो मेरा कंपलसरी रहता ही है। मैं बाहर सब्जियां भी लेने जाती हूँ तो मुझे मास्क पहनकर जाना पड़ता है, अदरवाइज मुझे कितना सफ़र करना पड़ता है, आई कांट टेल। तो चलिए यहाँ थोड़ा सा खूबसूरत नज़ारा का मज़ा लेते हैं। गाइज, अचानक से बारिश शुरू हो गई है और हम रोड के पास ही देखिए कैसे बैठे हुए हैं, खड़े हैं बाइक के पास। ये जैकेट ऊपर से हमने लिया हुआ है। ये देखिए हम किस तरह से बैठे, बारिश हो रही है तो हमें इस जैकेट का सहारा लेके बिल्कुल बिल्कुल आरसी की पिक्चर की जैसे फीलिंग्स आ रही है, जो एक जैकेट के अंदर दो हीरो हीरोइन होते हैं। बाल खोल दे मेरे, पता है मुझे खुले बाल अच्छे लगते हैं, लेकिन बाइक में चलते वक्त तो बाल खोल नहीं सकते, पूरे उलझ जाते हैं, इसलिए बांधा था मैंने, इन्होंने खोल दिया। वैसे बाल अभी बाइक में राइड करते 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 कितने खराब हो गए। तो चलिए थोड़ा सा इधर चलते हैं, आओ ना इधर, पास में आ जाओ, थोड़ा सा खूबसूरत है। ये हरियाली और ये रास्ता, ये हरियाली और ये रास्ता, इन रास्तों में तेरा मेरा जीवन भर का
मैंने ठीक से गाया वो। हो नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, हो नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती है सुबह है, ऐसे ही मेरी स्टोरी में बताऊंगी, अगर आपको मैं बताऊंगी आप सच में चौंक जाएंगे। मेरे लिए सब कुछ यही रोल प्ले करते हैं और somehow मेरी सेम टू हियर, सब कुछ यही है, सब कुछ यही है। अच्छी बात है, हर पति में एक अच्छा दोस्त बेस्ट फ्रेंड तो होना ही चाहिए, सच में लाइफ हेवन बन जाती है फिर। कम माय डियर, चलो तुम्हें आप ये देखिए, थोड़ी सी खेतों में आ गए हैं, खेत भी है यहाँ पे, खूबसूरत सी रोड भी है, बहुत खूबसूरत सा नज़ारा है। तो मैं चाहती हूँ आप कुछ बोलो ना, अभी हमें फिलहाल कई जगह जाना है, बारिश भी हो रही है लेकिन मानती नहीं है, जिसके आगे मौसम छुप जाते हो मैं क्या। एक्चुअली मैं व्लॉग बना रही हूँ, करना ही पड़ेगा, और ये बोलते हैं कि चलो 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 चलो, अभी हम ऐसे डायरेक्टली चल देंगे तो व्लॉग कैसे बनाएंगे और इतना खूबसूरत नजारा कैसे कैच करेंगे। ये देखिए कितने सारे भेड़ा, क्या बोलते हो उसे, क्या बकरी, नहीं नहीं बकरी तो नहीं है, क्या है वो, बकरी तो है, शिप शिप, क्या इतने सारे देखिए आ रहे हैं इधर। तो हम अपनी सिटी से तकरीबन 10-15 किलोमीटर दूर होंगे, राइट 10-15 किलोमीटर ना, हाँ 15 किलोमीटर दूर है अपनी सिटी से, और आपने तो देख लिया कितना खूबसूरत नज़ारा है, और बारिश ने तो सोने पे सुहागा कर दिया इस खूबसूरत नज़ारे पे। देखिए कितने सारे शिप जा रहे हैं यहाँ से। मेहनत दिखाई देती है इस मिट्टी में, कितने अच्छे से इस मिट्टी को खोदा है, यानी कि इसकी सारे कंकड़ बड़े बड़े पत्थर निकाल लिए, और जो कि मिट्टी रेंडमली ऐसे हम देखेंगे तो कितना गंदा दिखता है पत्थरों के साथ होता है, लेकिन इसको इतने अच्छे से फिल्टर कर दिया है, पत्थरों को निकाल दिया है, इतना साफ मिट्टी दिख रही है खेतों में, और ऑब्वियसली इसने कुछ तो लगाया होगा, फिलहाल तो नहीं दिख रहा है, शायद शुगर कैन लगाया होगा गन्ना वगैरह। तो आते जाते जब भी मिट्टी देखती हूँ तो मुझे इसमें किसान की मेहनत, किसान यानी कि फार्मर लोगों की मेहनत दिखाई देती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सच में आपको एक बात बता दूँ, मुझे दुनिया की सबसे अच्छी खुशबू जो स्मेल होता है ना वो मिट्टी की अच्छी लगती है, और मिट्टी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। जब बारिश की पहली बूंदे ज़मीन को भिगो देती है, मिट्टी को भिगो देती है, और उसमें से हल्की सी मंद मंद सी खुशबू आती है, तो उस खुशबू से मैं पागल हो जाती हूँ, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। हालांकि
आ गया होगा, राइट। चलिए अब हम निकलते हैं, हमें जहाँ जाना है और भी हमें शेयर करने हैं, घूमने हैं, चलिए निकलते हैं। बारिश अभी फिलहाल रुक गई है, लेकिन कब शुरू हो जाए इसका कोई पता नहीं। स्पीड ब्रेकर आ गया तो हम उछल ही जाते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बीच में रुक गई हूँ, मैं बताती हूँ मैं क्यों रुक गई हूँ रोड में, रोड के बीचों बीच। एक्चुअली ये देखिए यहाँ पे मुझे बहुत सारे मोर दिख रहे हैं, ओ माय गॉड इट्स सो अमेजिंग। ये देखिए जूम करके आपको मैं दिखाती हूँ, बहुत दूर चले गए हैं सो मैं आपको अच्छे से नहीं दिखा पा रही हूँ मोर। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे मोर दिख रहे हैं, ये देखा ना आपने, वाओ। तो मैं इसलिए रोड में, रोड के साइड में रुक के, वाओ यार काश मैं आपको नज़दीक से दिखा पाती। ये देखिए ये देखिए ये देखिए, फिर से करो आप। ये मेरे मेरे हस्बैंड मोर की आवाज़ निकाल रहे हैं, मतलब खेतों में भी मोर रहते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे लगा जंगल में होते होंगे, खेतों में इतने सारे मोर कैसे। ओके बहुत सारे, आई थिंक चार पांच मोर हैं इधर, पर मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, थोड़े से दूर हैं तो इसलिए मैं अच्छे से कैमरा में कैप्चर नहीं कर पाई। ओके ठीक है फिर हम चलते हैं अभी आगे। ऐसा है वो चल रहा है ना वो। ओके सो गाइस यही वो जगह है, हम पिछले एक डेढ़ घंटे से राइडिंग कर रहे हैं बाइक पे यहीं पे आने के लिए। ओके मैं बताती हूँ, अब सस्पेंस खोलती हूँ मैं। तो ये है माँ अम्बे भवानी का बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा मंदिर। ओके
तो बारिश में कभी भीगते हुए, कभी बसते हुए और खूबसूरत सिनारियों को कैच करते हुए, थोड़ी सी मस्ती मजाक करते हुए और आपके लिए एक व्लॉग बनाते हुए हम आप पहुँचे हैं इस प्यारे से मंदिर में, माँ अम्बे भवानी यानी कि दुर्गा माँ, जिसे तुलजा भवानी भी कहते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र में। तुलजा भवानी माई का ही ये जो प्रतिमा है, ये इधर तुलजापुर में तुलजा भवानी का मेन मंदिर है, उन्हीं की स्वरूप में ये मंदिर बनाई गई है। तो अक्सर हम यहाँ आते हैं और मैं आपको बता दूँ, हम बहुत ही आस्तिक हैं, हम ईश्वर पर बहुत ही विश्वास करते हैं। मैं तो बहुत डिवोटी हूँ, भगवान पे मेरी बहुत आस्था है और माई डियर हस्बैंड का भी बहुत है, और हम रोज़ पूजा पाठ करते हैं। और मुझे भीड़ भाड़ वाले मंदिर में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्राउड आई डोंट लाइक। तो ये बहुत ही पीसफुल मंदिर है, यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं होता है। तो चलिए मैं चप्पल निकाल लेती हूँ यहाँ पे, ओके। काफ़ी बारिश की वजह से कीचड़ छींटे वगैरह मेरे पैंट में लगे हुए हैं, तो यू कैन सी है हाथी, प्यारा सा हाथी, राइट। तो अब हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर। यहाँ पे दिया जलाए जाते हैं बहुत बड़ी बड़ी, तो ये मुझे बहुत पसंद है, ओके। सो गेट बहुत प्यारा है, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया है, खूबसूरत है बहुत। मंदिर की स्ट्रक्चर तो आप देख ही सकते हैं, थोड़ा सा इसका साइड दिखा दूँ आपको। वाओ यू कैन सी, ये देखिए कितनी अच्छी कारीगरी की है, ब्लैक स्टोन, एंड यू कैन सी हियर मैं दर्शन करूंगी अच्छे से बजरंग बली, जो मेरे हस्बैंड इनके भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, हर शनिवार के बजरंग बली के मंदिर जाते हैं और हर रोज पूजा करते हैं उनकी। और मैं आपको बता दूं, मैं शिव जी की भक्त हूँ यानी कि भोले बाबा की, जो बहुत ही भोले हैं और प्यारे हैं। हर हर महादेव। अभी हम फेरे लगा रहे हैं, मेरे हस्बैंड बोल रहे कि आप दर्शन कर रहे हो या वीडियो ले रहे हो। तो दर्शन तो मैं हर फ्राइडे यहाँ करती हूँ और मन से करती हूँ, लेकिन इस बार ब्लॉग बना रही हूँ तो इस थोड़ा सा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। जय बजरंगबली, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसपि लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धाम, अंजनी पुत्र पवन सुतना, जय बजरंगबली। तो दर्शन हमारी हो गई है, अब हम मंदिर से निकल रहे हैं। तो ये यही वो जगह था जिसके दर्शन करने के लिए हम पिछले एक डेढ़ घंटे से बाइक राइडिंग कर रहे थे, और तो हमारा डेस्टिनेशन पूरा हो गया है। एक दो जगह और जाएंगे तो फिर हम वापस घर को लौटेंगे, और अब मैं अपना वीडियो शूट यानी कि ये जो व्लॉग है अब यहीं पे मैं एंड करने जा रही हूँ, और लगभग शाम भी हो गई है। आई थिंक वीडियो अच्छा आए क्योंकि ये देखिए मैंने टीका लगाया है। जनरली मैं कभी ज़्यादा ऐसे टीका उका ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, कभी कभार लगा लेती हूँ भगवान के लिए, भगवान के मामले में मैं ना नो नहीं करती हूँ, बाकी चीज़ आई डोंट केयर। सो और अब हम जैसे कि मैंने कहा एक दूसरे जगह जाके हम घर को वापस लौटेंगे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, और खूबसूरत नेचुरल सिनारियों को हमने कैच किया और बहुत मस्ती भी की, बारिश का भी मज़ा लिया हमने, लेकिन थैंक गॉड बुरी तरह से बारिश नहीं हुई, अदरवाइज हम पूरी तरह से भीग जाते।
और वहाँ पे ओट लगाने के लिए भी हमें कोई जगह नहीं मिल पाता। तो थैंक गॉड इतनी बुरी तरह से बारिश तो नहीं हुई, थोड़ी थोड़ी सिमसिमे पानी ओके सिमसिमे पानी तो इस टाइप की बारिश हुई थी। तो बहुत मज़ा किया, बहुत मस्ती की, एक्चुअली हमने मौसम का बहुत मज़ा लिया। इस दौरान आपको हमारी मस्ती और हमारा कोई भी बात आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्या बोलूँ, मुझे इस जगह को छोड़ के जाने को ही मन नहीं कर रहा है, लेकिन जाना तो पड़ेगा, घर तो वापस जाना पड़ेगा। मेरे मिस्टर बाइक स्टार्ट करके मेरा वेट कर रहे हैं, जल्दी चलो बोल रहे हैं। जय माँ भवानी, दुर्गा माता की जय, तुलजा भवानी की जय, नौ दुर्गा माता की, सीमा देवी की जय। सीमाना आई लव यू, सीमाना सीमाना फिर से बोलो, घर लगा तो टाटा पंजाबी में क्या बोलते हैं? हाँ मुझे पता था।